आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक से हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि यदि दो आवृत्तियां अज्ञात हो, अर्थात कोई प्रश्न ऐसा हो जिसमें दो आवृत्तियां अज्ञात हो, तो ऐसी स्थिति में उन आवृत्तियों की गणना किस प्रकार से की जा सकती है। सामान्य रूप से जब दो आवृत्तियां अज्ञात होगी तो या तो आपको समांतर माध्य मध्य का या मध्य का बहुलक या बहुलक में समांतर माध्य दिया होगा, अथवा अगर आपको समांतर माध्य ही दे रखा हो किसी प्रश्न में या मध्य का ही दे रखा हो या बहुलक ही दे रखा हो, तो ऐसी स्थिति में उस प्रश्न में आवृत्तियों का योग आवश्यक रूप से दिया हुआ होगा, तभी दो आवृत्तियां अज्ञात आवृत्तियों की गणना किया जाना संभव होगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर समांतर माध्य दिया हुआ हो तो अज्ञात आवृत्तियों का निर्धारण कैसे करना है, मध्य का दे रखी हो या बहुलक दे रखा हो तो दो अज्ञात आवृत्तियों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाना है। तो हमने एक प्रश्न लिया है, यहाँ देखिए क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, और फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 70, फिर अज्ञात, फिर 32, फिर अज्ञात, फिर 19, फिर 120। तो ऐसी स्थिति में हमको ये दो अज्ञात आवृत्ति निकालनी है, टोटल 120 दे रखा है, एक्स बार दे रखा है 50। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले को मान लीजिए मैंने एक्स मान लिया, पहली आवृत्ति को एक्स मान लिया, अब दूसरी आवृत्ति के लिए हम क्या करेंगे, 120 में से एक 17 दे रखी है, एक 32 दे रखी है, एक 19 दे रखी है, इनको निकालेंगे तो आएगा 120 माइनस 17 माइनस 32 माइनस 19, तो ये आवृत्तियां हुई 52। यानी हम हमारी जो अज्ञात आवृत्तियां हैं, ये आवृत्ति और ये आवृत्ति, इन दोनों का जो योग है वो हमारे पास में आ गया कि इन दोनों का योग हमारे सामने क्या आने वाला है, 52 आने वाला है। तो हमने क्या करना है, पहले को x मान लेना है तो दूसरे को हम 52 माइनस x मान लेंगे। या एक और तरीका है, एक तरीका ये आप कर चुके हैं, मैं दूसरे तरीके से, एक को x मान लिया, इसको y मान लिया, तो एक इक्वेशन हमारा हो गया x प्लस y इज इक्वल टू 52, क्योंकि दोनों मिलाकर क्या होनी है, 52 होनी है। तो एक को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया, ऐसा भी हम कर सकते हैं, और एक को x मानकर दूसरे को x 52 माइनस x भी मान सकते हैं। दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ एक सवाल में, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो देखिए पहले में हमने क्या किया, एक को x माना, दूसरे को y माना, अब देखिए मिड वैल्यू निकाला, मिड वैल्यू ये आएगा, इन दोनों को जोड़ के दो का भाग देंगे 10, फिर ये आएगा 30, उसके बाद इन दोनों को जोड़ के दो भाग 50, उसके बाद इन दोनों का करेंगे तो 70, और इन दोनों का जोड़ करेंगे तो आएगा 90। ये हमने इसकी मिड वैल्यू की गणना कर ली। अब समांतर माध्य के लिए हमको चाहिए एफ गुणा एक्स, तो हमको एफ को एक्स से गुणा करना है, तो पहला हम 17 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 170 आएगा, ये आया 30x, फिर 32 गुणा 50 ये आपका आया 1600, फिर ये आया 70y, फिर 19 मल्टीप्लाई 90 दैट इज 1710, इन सबका टोटल करेंगे तो टोटल आया 3480 प्लस 30x प्लस 70y, ये मैंने पहले तरीके से कराना है। अब देखिए x बार इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये समांतर माध्य का हमारा फॉर्मूला होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। x बार हमको दे रखा है 50, सिग्मा एफ एक्स दे रखा है 3480 प्लस 30x प्लस 70y डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल सिग्मा एक्स दैट इज 120, तो यह 8400, क्या करना है, एक स्टेप 50 गुणा 120, 50 मल्टीप्लाई 120 दैट इज 3480 प्लस 30x प्लस 70y, तो यह 6
जीरो 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 माइनस 3480 क्या किया 120 को 50 किया 12 5 60 और ये दोनों जीरो दैट इज 30x + 70y। तो हमने क्या करना है 6000 में से 3480 घटाया तो आया 2520 दैट इज 30x + 70y। तो ये हुआ 30x + 70y दैट इज 2520। ये दूसरा इक्वेशन, पहले इक्वेशन को 30 से गुणा करके लिख देते हैं तो क्या करेंगे 30x हो जाएगा 30y हो जाएगा कंपेरिजन करने के लिए, और 52 × 30 दैट इज 1560। ये इक्वेशन 1 को 30 से गुणा करके लिखा, x को 30 से गुणा किया 30x हो गए, y को 30 से गुणा किया 30y हो गए, और 52 को 30 से गुणा किया तो 1560 हो गया। अब कंपेरिजन करेंगे माइनस माइनस और माइनस तो ये कट गया, प्लस का और माइनस का, ये यहां बचा 40y और ये बचा 52520 − 1560 दैट इज 960। तो y बराबर 960 डिवाइडेड बाय 40, 10 से 10 कटा 2 4 जा 6 60। तो ये y बराबर आ गया 24। अब y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो आएगा x + 24 दैट इज 52, x = 52 − 24 सो x = 28। सो दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई, पहली मिसिंग फ्रीक्वेंसी आई 28, सेकेंड आई 24। इस प्रकार से हम दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी को x और y मानकर भी कर सकते हैं, और 50 दूसरा एक और तरीका है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये एक पहला तरीका है जिससे हमने देखा कि हमको 50 दिया हुआ था तो हमने किस प्रकार से निकाला। अब देखिए हमने दूसरा तरीके से इसी चीज को करते हैं, तो वापस आपको एक और तरीका है जिसके माध्यम से हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। उसमें हमको केवल एक को ही एक्स मानना होगा, दूसरे को हमको नहीं मानना होगा। उसको किस प्रकार से करते हैं वो भी आप देख लेते हैं, तो ये वैल्यू हमको काम आएगी। अब देखिए मैंने इसको मान लिया एक्स और दूसरे को मान लिया 52 − x, क्योंकि 120 में से 17 निकाला 32 निकाला और 19 निकाला तो बचा 52। तो 52 का मतलब ये दोनों अज्ञात है, इन दोनों का जोड़ 52 है, तो पहले को मैंने x माना था, दूसरे को 52 − x मान लिया। इसी प्रकार से पहले वाले में x और y माना, इस बार हमको x और y नहीं माना हमने और केवल डायरेक्ट ही कर लिया। अब देखिए हमने क्या करना है, x × x तो 170 क्लियर। पहला वाला आपका आएगा 17 को 10 से करेंगे तो आएगा 170। दूसरा जो आपको करना है ये 30x, फिर 32 × 50 दैट इज 1600, अभी पहले भी हमने किया था। देन 52 × 70 दैट इज 3640। देन 19 × 90 दैट इज 1710। अब इन सबको टोटल करेंगे, यहां माइनस का 52x भी आएगा, सॉरी 70x, 70 का 52 से किया तो आया, 70 को x से किया तो आया। अब टोटल जो हमारा आया वो आया 7120, 70 में से 30 जाएंगे तो माइनस का 40x ये बचा, 7120 − 40x। x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, x बार हमको दे रखा है 50 दैट इज 7120 − 40x / 120। तो क्या करना है 50 × 120 दैट इज 7120 − 40x तो आएगा 6000। 7120 इधर घटा तो आया माइनस का 40x, तो आया माइनस का 1120 दैट इज माइनस का 40x, इससे कटा एक्स बराबर 1120 डिवाइडेड बाय 40, 4 2 जा 8, 3 बचा
फोर एट या 32, तो x का मान आ गया 32 28, तो पहली वाली आ गई 28, और सेकंड जो है फर्स्ट तो आ गई आपकी 28, सेकंड निकालनी है तो 52 माइनस 28 दैट इज 24। इस प्रकार से भी आप दो अज्ञात आवृत्ति है और समांतर माध्य दिया हुआ है तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों को x और y मानकर निकाल सकते हैं। दूसरा आप टोटल जितना दिया हुआ उससे x और 52 माइनस x करके भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से समांतर माध्य दिया हुआ है तो आप अज्ञात आवृत्ति दो, अगर आपको अज्ञात आवृत्ति दी हुई है तो उनकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी देखिए, अगर आपको समांतर माध्य की जगह आपको मान लीजिए मध्यिका दे रखी है, इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक्स हमने लिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और लास्ट 70 से 80। एफ हमको दे रखा है, फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है, इसमें वो दे रखी है आपको 12 30, फिर एक मिसिंग है, उसके बाद 66, फिर मिसिंग 25 18 230। ये हमको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मीडियन वैल्यू हमको दे रखी है 10 to 20 फ्रीक्वेंसी है, 12 20 to 30 फ्रीक्वेंसी है, 30 30 to 40 दे रखी है मिसिंग, 40 to 50 66 दे रखी है, 50 to 60 मिसिंग है, 60 to 70 ये सब दे रखा है। तो सबसे पहले हम करेंगे 230 से 9 है 12, फिर आपको 30 है, फिर आपकी 66 है, उसके बाद 25 है और 18 है, तो 79 बचा। इसका मतलब ये और ये दोनों मिलकर 79 बची। क्लियर? आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 230 में से 12 को घटाएंगे, फिर आप 30 को घटाएंगे, फिर 66 को घटाएंगे, फिर 25 को घटाएंगे, फिर 18 को घटाएंगे, तो 79 आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मिलाकर 79 है। अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये मेरी, अगर इसको y मानता हूं तो इसका मतलब है x और y दोनों मिलकर कितनी है, 79। अब देखिए, यहां से मैं y निकालना चाहूं तो आ जाएगा 79 माइनस x, तो मैं y की जगह ये भी लिख सकता हूं 79 माइनस x। अब मध्यिका आपको दी हुई है तो मध्यिका के लिए आपको cf चाहिए, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी cf। 12 में 30 जोड़ेंगे 42, ये 42 प्लस x, 66 जोड़ेंगे तो 108 प्लस x, इसमें इसको जोड़ेंगे तो आएगा 7 8 187, प्लस x माइनस x कट जाएंगे तो 187। और 230, ये हमने इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी cf निकाली। अब आप देखिए कि m इज इक्वल टू 45 दे रखा है, इसका मतलब ये 40 से 50 के बीच में है, ये 45 40 से 50 के बीच में, तो ये हमारी f हो जाएगी और ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर l1 प्लस i अपॉन f n by 2 माइनस c, ये मध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे। m का मान 45 दिया हुआ है, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 40, मध्यिका वर्ग की आवृत्ति इन दोनों का डिफरेंस 10, मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी 66, n by 2 230 डिवाइडेड by 2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा 42 प्लस x, तो यह 45 में से हमने 40 घटाया, 10 अपॉन 66, 115 माइनस 42 माइनस x, तो यह 5, इसके साथ 66 मल्टीप्लाई कर देंगे, यह 10 115 से 42 घटाएंगे, 115 माइनस 42 दैट इज 73 माइनस x, तो आएगा 5 330 दैट इज 730 माइनस 10x, 10x को मैं इधर लाता हूं
टेन एक्स बराबर 730 माइनस 330। सो टेन एक्स इजिकल टू 400, सो एक्स इजिकल टू 400 डिवाइडेड बाई 10, सो एक्स इजिकल टू 40। इसका मतलब पहली फ्रिक्वेंसी हमारी आ गई 40। ये x का मान आ गया हमारा 40। तो दूसरी फ्रिक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर 79 माइनस 40, सो y इजिकल टू 39। सेकेंड फ्रिक्वेंसी आ गई 39। तो इस प्रकार से हम दोनों फ्रिक्वेंसी मिसिंग को निकाल सकते हैं। पहली मिसिंग फ्रिक्वेंसी हमारी आई 40, दूसरी मिसिंग फ्रिक्वेंसी आई 39। तो इस सवाल के माध्यम से हमने ये देखा कि अगर मीडियन दिया हुआ हो और टू मिसिंग फ्रिक्वेंसी हो तो किस प्रकार से निकाली जा सकती है। एक और सवाल हम लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि मीडियन और मोड दोनों दिया हुआ और टू मिसिंग फ्रिक्वेंसी हो तो किस प्रकार से निकालेंगे, उसको हम देखते हैं। सपोज कीजिए द क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारा है 0 to 10, क्वेश्चन दे रखा है। सपोज कीजिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है 3 मिसिंग, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, देन मिसिंग, देन 20, देन 12, देन मिसिंग, देन 20, देन 12, देन मिसिंग, और हमको मीडियन दे रखा है 33 पॉइंट, मीडियन दे रखा है 27, और जेड का मान दे रखा है 26, और दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है हमारे यहां। देखे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और 40 to 50। ये गिवन है 0 to 10 फ्रीक्वेंसी 3, 10 to 20 फ्रीक्वेंसी नॉट गिवन, 20 to 30 फ्रीक्वेंसी गिवन, 30 to 40 गिवन, और दिस इज ऑल्सो अनगिवन, नॉट गिवन। सपोज हमने इसको मान लिया F1 और इसको मान लिया F2, ऐसे भी कर सकते, या F वहां पर आएगा तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, इसलिए हम इसको एक को मान लेते हैं X और दूसरे को मान लेते हैं Y। अब देखिए दो चीज, जेड हमको देखा है 26, जेड इजिकल टू 26, इसका मतलब है ये यहां, क्योंकि 26 20 से 30 के बीच में, तो जेड का मान 26 दे रखा है, इसका मतलब 20 से 30 के बीच में, तो ये मॉडल ग्रुप होगा, मॉडल ग्रुप की ये फ्रीक्वेंसी F1, इससे पहले की फ्रीक्वेंसी F0, इसके बाद की फ्रीक्वेंसी F2। तो मोड का फॉर्मूला लगाएंगे जेड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I। ये हमारा फॉर्मूला होगा मोड का, मोड दे रखा है 26, तो द वेरी फर्स्ट वी विल लिख 26, ये आपका है 20 प्लस F1 आपका 20 है, F0 की जगह हमको X लिखना है, बटे 2 गुणा 20 माइनस X माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 10, ये हमने कर लिया, तो आया 26 माइनस 20, इधर लाइन माइनस हो गया, ये हुआ 200, 10 से मल्टीप्लाई किया और 10x, ये 10 ऊपर से मल्टीप्लाई तो 200 हो गया, और 10 से 40 माइनस x माइनस 12 6, या हम लिखेंगे 28 माइनस x, क्योंकि 40 से 12 जाएगा तो 28 बचेगा, और इधर आपका है 200 माइनस 10x, तो 28 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज 168, सो 168 माइनस 6x दैट इज 200 माइनस 10x, क्लियर। तो अभी आपका क्या होगा, हमने x इधर लाना है तो माइनस का 6x तो है, 10 को इधर से लाए प्लस हो गया, यहां 200 5 168 उधर गया माइनस का हो गया, तो आया 4x दैट इज 32, सो x इजिकल टू 8, पहली आ गई 8, ओके, तो हमने यहां इसको लिख दिया 8, x की जगह 8 आ गया, तो हमने एक फ्रीक्वेंसी निकाल ली, हमने उसको लिख दिया 8। अब देखिए दूसरी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, क्लियर, इसके लिए हमको मीडियन दे रखा है, मीडियन दे रखा है तो हमको CF निकालनी पड़ेगी, CF निकालेंगे तो आएगा कितनी, 3 11
31 प्लस एक्स 43 प्लस 9 दी हुई है तो ओके। अब आया 31, 31 में 12 जाएंगे 43 और ये आएगा 43 प्लस वाई। अब देखिए इसको मिटा देता हूं, अब इसकी हमको जरूरत नहीं। अब देखिए मेरे को हमको मीडियन दे रखा है, मीडियन इज गिवन 27। इसका मतलब मीडियन ग्रुप ये है 27, 20 से 30 के बीच में आता है, तो मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी होगी ये और इससे पहले की कमल जो फ्रीक्वेंसी होगी ये। तो मीडियन बराबर होता है L1 प्लस I अपॉन F N बाई 2 माइनस C, ये फॉर्मूला हमारा मीडियन का हो गया। सो मीडियन की वैल्यू दे रखी 27 लिख दिया, मीडियन ग्रुप की जाके 20, दोनों का क्लास इंटरवल आएगा 10, फ्रीक्वेंसी आएगी 20, N बाय 2 यानी 43 प्लस Y बाय 2 और इससे पहले की कमल की फ्रीक्वेंसी 11 दे रखी। तो हमने 27, 20 इधर लाए माइनस हो गया, दैट इज माई 10 से 10 कट गया 1/2, 43 प्लस Y माइनस 22 अपॉन 2 एलसीएम ले लिया। तो आया 7 इजिकल टू 43 से वो निकलेगा 21 प्लस Y अपॉन 4, सो 28 इजिकल टू 21 प्लस Y, सो Y बराबर 28 माइनस 21, तो Y का मान आ जाएगा 7, यानी अगली फ्रिक्वेंसी जो आएगी वो आएगी 7। इस प्रकार से अगर हमको मीडियन और मोड दे रखा है और दो मिसिंग फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, जिस स्टेप का पूछा गया है वही स्टेप आप करते चले जाएंगे तो बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अभी देखिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं जिसमें मॉडल वैल्यू दे रखी हो और टू मिसिंग फ्रिक्वेंसी दे रखी हो, ऐसा हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मोड दे रखा हो और टू मिसिंग फ्रिक्वेंसी दे रखी हो, क्योंकि हमने अर्थमेटिक मीन का कर लिया, मीडियन का कर लिया। अभी हम देखते हैं मोड दे रखा हो, सब वो चीजें एक्स 4 से लेके 8 22 24 24 टू 28 28 टू 32 32 टू 36 30 और लास्ट 36 टू 40। फ्रीक्वेंसी इज गिवन, द गिवन फ्रीक्वेंसी इज 416 मिसिंग ओके। टेन 12 मिसिंग ओके, फ्रीक्वेंसी है 10 12 देन मिसिंग देन 14 देन ऑल्सो मिसिंग देन 88 17 5 4 8 17 5 एंड 4 और टोटल जो दे रखा है वो दे रखा है 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 17 प्लस 5 प्लस 4 ये टोटल हमको दे रखा है 96। सपोज कीजिए इसमें 96 दे रखा है और वैल्यू दे रखी है जेड की 14.67। क्लियर? देखिए फर्स्ट 22 दे रखा है, उसके बाद आपको 14 दे रखा है, उसके बाद आपको दे रखा है 8 प्लस 17 प्लस 5 प्लस 4 96 दे रखा है, दो मिसिंग है। आपको जेड का मान दे रखा है 14.67, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। अब मान लीजिए इस फ्रीक्वेंसी को मैंने माना एक्स और इसको मान लिया वाई, तो देखिए 96 में से एक मुझे 10 दे रखी है, एक मुझे 12 दे रखी है, एक 14 दी हुई है, उसके बाद 8 दी हुई है, उसके बाद 17 दी हुई है, उसके बाद 5 दी हुई है, उसके बाद 4 दी हुई है। तो इनमें से 96 में से हमको
10 घटाना है, 12 घटाना है, 14 घटाना है, फिर 8 घटाना है, फिर 17 घटाना है, फिर 5 घटाना है और फिर 4 घटाना है, तो अभी बची 26। यानी हमारी x और y, ये x और ये y दोनों मिलाकर 26 है, x प्लस y दैट इज 26, ये एक इक्वेशन आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमको पता चल गया कि ये अब देखिए बहुत इजी है, 14.67, इसका मतलब 14.67 यहां 12 से 16 के बीच में 14.67, ये बहुलक वर्ग हुआ तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति f1, बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति f0 और बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति f2। बहुलक का मान लगाया z इज इक्वल टू l1 प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा i। ये हमने क्या किया, बहुलक का सूत्र लगा दिया। अब यहां आया 14.67 बहुलक का मान है, लोअर लिमिट 12 है, f1 की जगह x लिखा है, ये 12 है अपॉन 2x, f1 की जगह x, माइनस 12 माइनस 14 मल्टीप्लाई, देखिए यहां 4 है, ये हर बार 10 नहीं होता है, यहां डिफरेंस जो है वो निकालने 4। तो 14.67 माइनस 12 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 48, क्या किया 4 को x से गुणा किया, देखिए ये 12 तो इधर आ गया, अब ये 4 को इससे x से गुणा किया और 12 को 4 से गुणा किया अपॉन 2x माइनस, ये 26 हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो यहाँ आया 2.67 2x माइनस 26 दैट इज 4x माइनस 48। तो 2.67 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.67 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 5.34 5.34x और 2.67 को 26 से करेंगे तो 26 गुणा 2.67 तो है आपका 69.42 दैट इज 4x माइनस 48। तो देखिए 5.34x है, इधर से x 4x को इधर लाए माइनस हो गया, ये माइनस का 48 है, उधर लेके गए 69.42 प्लस का उधर चला गया, तो यहां पर बचा 1.34x और इधर बचा, इससे 48 घटा देंगे तो आएगा 21.42 x बराबर 21.42 में 1.34 का भाग देंगे, सो डिवाइडेड 1.34 तो x का मान आएगा 16, सो द वैल्यू ऑफ x 15.96 आएगा, तो इसको लिखेंगे 16, x का मान आ गया 16, यानी ये वैल्यू हमारी 16। अब हमको ये वैल्यू निकालनी है, अब हमको पता है इन दोनों का जोड़ 26 है, तो हमने लिखना है क्या, x का मान 16 प्लस y दैट इज 26, सो y 26 माइनस 16, सो द y इज इक्वल टू 10। इस प्रकार से अगर आपको बहुलक दिया हुआ हो और दो अज्ञात आवृत्ति दी हुई हो तो भी आप निकाल सकते हैं। प्राय बुक्स में इतने सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, ये कुछ सॉल्यूशन, कुछ प्रश्न हमने बनाकर आपको करवाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बस एक लास्ट एक और सवाल देखते हैं जिसमें अर्थमेटिक मीन और मोड दिया हुआ हो या मोड और जेड दिया हुआ हो तो हम किस प्रकार से निकालते हैं, एक बार उसका एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार की डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाए तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है 0 to 10 एक्स, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और लास्ट दे रखा है 60 to 70। एफ दे रखा है, एफ दे रखा है 4, 16, फिर मिसिंग है, फिर मिसिंग है, देन 46, 4, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70, फ्रीक्वेंसी गिवन 4, 16, मिसिंग 46 और 4। ओके, जेड आपको दे रखा 34, एफ दे रखा 33.5। अब आपको ये दो मिसिंग निकालनी है,
और कुछ नहीं दे रखा है, टोटल भी नहीं दे रखा है। तो देखिए कह ले जेड पहले यूज करना है ऐसी स्थिति में, जेड इक्वल टू 34, इसका मतलब जेड आपका यहां है। ओके, मैंने एक को एक्स मान लेना है, एक को वाई मान लेना है, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, क्योंकि टोटल ले दिया हुआ तो दोनों को एक्स और वाई ही मानकर रखना पड़ेगा और हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर? अब 34 दे रखा है, 34 दे रखा है तो इसका मतलब यहां लाइज कर रहा है। तो जेड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I, ये हमने फॉर्मूला लगाना है। जेड का मान 34 दे रखा है, यहां 34 लिख दिया, ये आपका 30 हो गया, प्लस F1, देखिए ये हमारा F1 है, ये हमारा F0 है, ये हमारा F2 है, क्योंकि मॉडल ग्रुप, ये आएगा Y माइनस X अपॉन 2 मल्टीप्लाई वाई माइनस एक्स माइनस 40 मल्टीप्लाई 10, ये हमने वैल्यू रख दी। ये बहुलक वर्ग का, ये बहुलक वर्ग से पहले की आवृत्ति, ये बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति, तो ये आया 34 माइनस 30, दैट इज 10y माइनस 10x ऊपर हो गया, अपॉन 2y माइनस एक्स माइनस 40, ये हो गया हमारा, तो आया 4 2y माइनस एक्स माइनस 40, दैट इज 10y माइनस 10x, 8y माइनस 4x माइनस 160, दैट इज 10y माइनस 10x। y अब देखिए 8y तो है, 10y को इधर लाए माइनस का हो गया, माइनस का 4x है, 10x को इधर लाए प्लस का हो गया, और 160 माइनस का उधर जाकर प्लस का हो गया, तो ये बचा माइनस का 2y प्लस का 6x, दैट इज 160, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको यूं भी ले सकते हैं 6x माइनस 2y दैट इज 160। 8y यूं का यूं ही था, 10y इधर आया, 4x यूं का यूं था, 10x माइनस का था इधर आकर प्लस का हो गया, माइनस का 160 उधर जाकर प्लस का हो गया, तो यहाँ 8y में से 10y गए, माइनस का 2y बचा, ये प्लस का 10x में से 4x गया, 6x बचा, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया 6x माइनस 2y दैट इज 160, पहला इक्वेशन हो गया। अब देखिए हमने दूसरा इक्वेशन निकालना है, इस प्रकार से हमने y का जेड मान रखा और इसका वैल्यू निकाला। अब देखिए मीडियन के लिए हमको CF निकालना है, तो आएगा 4 20 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स प्लस वाई, ओके 60 प्लस एक्स प्लस वाई, 66 प्लस एक्स प्लस वाई, और 70 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपका आ गया। मीडियन आपको दे रखा है 33.5, इसका मतलब मीडियन यही लाइज कर रहा है, तो ये तो मीडियन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये CA हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। मीडियन का फॉर्मूला है M बराबर L1 प्लस I अपॉन F N बाय 2 माइनस C, सो मीडियन गिवन 33.5 इज इक्वल टू L1 लोअर लिमिट 30, क्लास इंटरवल मीडियन का 10, फ्रीक्वेंसी मीडियन ग्रुप की y लिखनी पड़ेगी, n बाय टू आपका होगा 70 प्लस एक्स प्लस वाई बाय टू, ये आपका टोटल इसका देखेंगे तो आएगा 70 प्लस एक्स प्लस वाई, माइनस 20 प्लस एक्स, तो आया 33.5 माइनस 30 दैट इज 10 अपॉन वाई, 70 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 40 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो 220 से गुणा हुआ और 2x से गुणा हुआ, तो आया 3.5 दैट इज 10 अपॉन वाई, ये 30 बचा,
क्योंकि 70 में से 40 गया 30, उसके बाद x में से 2x गया तो माइनस का x बचा और y बचा। देखिए x प्लस का 2 माइनस का, तो माइनस का एक x बच गया, ये y बच गया डिवाइडेड बाई 2। इसमें थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 3.5 गुना 2y दैट इज 300 माइनस 10x प्लस 10y। हमने क्या किया, 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया 300 हो गया, 10 को x से गुणा किया 10x हो गया, 10 को y से गुणा किया 10y हो गया। ये आपका हुआ 7y माइनस 10y इधर आया प्लस, और 10x इधर आया प्लस का हो गया दैट इज 300। यहां पे देखना है आपको, ये 10x था इधर आया प्लस हो गया, ये प्लस का था इधर आकर माइनस का हो गया, तो आया माइनस का 3y प्लस 10x दैट इज 300। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 10x माइनस 3y दैट इज 300, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारी आई 10x माइनस 3y दैट इज 300। अब इन दोनों समीकरण को हल करके हमें x और y का मान निकालेंगे, बाकी काम हमने कर लिया, तो ये मैं मिटा देता हूं। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे, वो आपको बताता हूं किस प्रकार से करना है। अब देखिए पहला इक्वेशन है 6x माइनस 2y दैट इज 160 और 10x माइनस 3y दैट इज 300। देखो अब इस क्वेश्चन को, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड देखिए अभी आपको सॉल्व करना है, तो देखिए इसका 6 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका 10 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल आपको ज्यादा नहीं लगाना है, ताकि ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करना है तो सबको करना है। तो क्या करना है वापिस इसको समझिए, यहां 6 है यहां 10 है, तो मैंने इस 10 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन से कर दिया, यानी इस पूरी इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहां 6 है तो इसको 6 से करूंगा, यानी इसके 10 को इससे, इसके 6 को इससे, तो क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60x माइनस 20y दैट इज 1600। अब इसको 6 से करेंगे तो आएगा 60x 18y दैट इज 1800। ओके अब देखिए हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस तो ये कट गया, ये बचेगा माइनस का 2y, क्योंकि देखिए प्लस का 18 है 20 का माइनस और माइनस का 2, तो y माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 100 पहला आ गया, y बराबर 100 यानी ये वाली 100 है। दूसरा देखिए 6x माइनस 2y 160 है, तो 6x माइनस 2 गुणा इसका मान रखेंगे 100 दैट इज 160, सो 6x इज इक्वल टू 160 प्लस 200, सो 6x इज इक्वल टू 360, सो x इज इक्वल टू 360 अपॉन 6, सो x इज इक्वल टू 60, ये दूसरा आ जाएगा 60। तो देखिए पहले का मान आया 60 और दूसरे का मान आया 100, इस प्रकार से दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी की गणना हम कर सकते हैं। हमने यहां 5 क्वेश्चन डिस्कस किया अलग अलग तरीके से, किस प्रकार से 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है तो उसको हल किया जा सकता है। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है तो किस प्रकार से हल किया जा सकता है। थैंक यू।